बुराई पर अच्छाई की जीत। तू मारेगा मुझे। तुम सब अंदर से एक जैसे के जैसे हो। ठीक भीड़ इकट्ठी हुई है मुझे मारने के लिए आज। मैं माता सीता को लेकर गया था, इसीलिए मारने के लिए इकट्ठे हुए ना तुम सब आज। छोटी छोटी बच्चियों को दरिंदे उठाकर लेकर चले जाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। उनको तो तुमने कभी ऐसे इकट्ठा होकर जलाया नहीं। वो दरिंदे क्यों खुलेआम घूम रहे हैं आज भी, मुझे ये बताओ। आए मुझे जलाने। बुराई पर अच्छाई की जीत। कहां हुई, कहां हुई बुराई पर अच्छाई की जीत? जब तक तुम्हारे मन में चोरी, गद्दारी, लालच, वासना, द्वेष, अहंकार जैसी भावनाएं जीवित है, बुराई कैसे मरेगी? बुराई मर ही नहीं सकती। तुम लोग मुझे खत्म करने आए हो ना, तो अपने अंदर छुपे रावण को जला, उसको मारो। सच्चाई और अच्छाई को अपना लो, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। और अगर तुम मुझे जलाने के उद्देश्य से ही आए हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ छोटे बच्चे ही आज की तारीख में मुझे जला सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर चोरी, गद्दारी, लालच, घृणा, वासना, द्वेष, अहंकार जैसी भावनाएं नहीं है। असल में वही है ईश्वर का स्वरूप। ए लड़के, लगा दे आग फिर से, जला दे। अगले साल फिर आऊंगा मैं जलने के लिए, लेकिन अगले साल मैं देखूंगा कि आप लोगों ने अपने अंदर के रावण जलाए या नहीं। खुश हैं अभी आप सब? एक बार फिर से आपका रावण जल रहा है।